हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश, और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आईपीएससी नॉमिनक्लेचर में आगे बढ़ते हुए बातें करेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा कि हम लोग जैसे कि बातें कर रहे थे ओलिफिनिक और एसिटिलिक बॉन्ड्स के बारे में बातें कर रहे थे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में आपको पहले बताना चाहूंगा कि दोस फैमिली हुज एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2। ठीक है दोस्तों, इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं। वो फैमिली होती हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में केवल CH2 का डिफरेंट होता है। ठीक है, CH2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है दोस्तों। मैं आपको CH2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बता देता हूं, अगर आपको नहीं आता है तो चिंता की कोई बात नहीं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है, 12, 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 1 इंटू 2, 12 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 12 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 14। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MWT शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 14। तो मैं आपको बताना चाहूंगा होमोलॉगस सीरीज वो सीरीज होती हैं, वो फैमिलीज होती हैं जिनमें केवल CH2 का डिफरेंस होता है। ओनली CH2 मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आपको कि वो फैमिलीज जो होती हैं, देयर फंक्शनल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजेस। मतलब उनके फंक्शनल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो रासायनिक गुण जो होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन उनकी जो भौतिक गुण होते हैं, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपकी होमोलॉगस सीरीज। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एल्केन के बारे में आप लोग जानते होंगे। एल्केन CnH2n+2, इसका नॉर्मल, इसका जनरल फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है। एल्केन एल्काइन और एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है दोस्तों। अगर नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, एल्केन का एग्जांपल लिया हम लोगों ने CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए, अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये जनरल फार्मूला बन जाएगा एल्कोहल या ईथर का, बन जाएगा CnH2n+2O। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल या ईथर का फार्मूला बन जाएगा, जनरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं एल्कीन CnH2n, ये एल्कीन का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। इसमें अगर एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं CnH2nO, ये बन जाता है एल्डिहाइड या कीटोन का जनरल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं CnH2nO2 अगर जोड़ देते हैं, ठीक है O2 हो जाता है, अगर एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं तो ये एसिड या ईस्टर का जनरल फार्मूला बन जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर CnH2n-2 एल्काइन ले लिया जाए हम लोग, ठीक है, और CnH2n-2 एल्काइन ले लिया जाए तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं बताते हैं। इसमें होता ही नहीं है एल्काइन में, क्योंकि ये खुद ही 2n-2 एल्कीन एल्काइन हो जाता है। तो और CnH2n+2 ये आपको दोनों रटना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई होमोलॉगस सीरीज नहीं होती है। ठीक है, एल्काइन और एमीन में, एमीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+3n, ये आपको जरूर रटना पड़ेगा, इसका आगे हम लोग कई जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, CnH2n+3n ये होता है एमीन का जनरल फार्मूला। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चन के साथ इसके क्वेश्चन भी आते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या ये यूजफुल वीडियोस लग रही हैं, तो मैं आगे और भी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।